आइए आज हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नाम से जाना जाता है। और एक शिक्षक के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वह अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी को डिसाइड करने से पहले व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में जाने, विद्यार्थी में कौन से अलग-अलग कारक उसके सीखने को प्रभावित करते हैं, लर्निंग किस प्रकार से अफेक्टेड होती है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो एज ए टीचर हमें अलग-अलग विद्यार्थियों की अलग-अलग गुण विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए और उसी के अनुसार हमें अपनी टीचिंग की स्ट्रेटेजी को तय करना चाहिए। और इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए हमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं से जुड़े हुए विभिन्न फैक्टर्स पर ध्यान भी देना चाहिए, उतना ही हम प्रभावशाली शिक्षण के माध्यम से अपने शिक्षण को पूरा कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं की और उससे संबंधित कुछ प्रमुख कारकों की, जो कि व्यक्तिगत विभिन्नता को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। देखिए, जहाँ तक विद्यार्थियों और क्लासरूम एनवायरनमेंट का संबंध है, तो आप व्यक्तित्व के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और व्यक्तित्व के विभिन्न शील गुणों के बारे में अक्सर शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत चर्चा की जाती है। और हर व्यक्ति का स्वभाव, अभिवृत्ति, उसकी रुचियाँ, उसका सोचने समझने का ढंग, प्रत्यक्षण करने का ढंग, ये सभी जुदा जुदा होते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही टीचिंग मेथडोलॉजी से या एक ही प्रकार की स्ट्रेटेजी के थ्रू हम हर प्रकार के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। तो एज ए टीचर हमें ये जानना चाहिए कि एक लर्नर में एज के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो उसके सीखने को प्रभावित करते हैं, एज वेल एज हमारे शिक्षण को भी हमें उस लर्निंग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग किस प्रकार से चेंज करना चाहिए ताकि हम मोर एंड मोर इफेक्टिव टीचिंग की ओर बढ़ सकें। तो कभी भी दो व्यक्ति या दो विद्यार्थी एक समान नहीं होते हैं, बल्कि उनमें अलग-अलग तरीकों से विभिन्न प्रकार के अंतर व्याप्त होते हैं, जो कि उनके विकास की गति को भी प्रभावित करते हैं और साथ ही साथ में उनके समायोजन की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं कि वे किसी भी एनवायरनमेंट में कितना एडजस्ट होते हैं और यदि नहीं होते हैं तो किस प्रकार से उस गैप को पूरा करना होगा और उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग टीचर को अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी और गाइडेंस और काउंसलिंग के टेक्निक्स के बारे में समय-समय पर कुछ चेंजेस लाने होंगे, जिससे वह व्यक्तिगत विभिन्नताओं के उन कारकों को फुलफिल कर सके। देखिए, लर्निंग की जहाँ तक हम बात करते हैं, अधिगम की जो बात करते हैं, ये बहुत ही अपने आप में एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है जो कि विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। और लर्निंग जो है वह तभी प्रभावशाली हो सकती है जब हम कक्षा कक्ष में पाए जाने वाले विभिन्न छात्रों की भाषाओं, उनकी संस्कृतियों और अलग-अलग प्रकार के जो सामाजिक व्यवहार हैं, उन्हें समझने का प्रयास करें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति में मल्टी कल्चरलिज्म की बात की गई है, मल्टी लिंग्वलिज्म की बात की गई है, जो बहुभाषावाद को बढ़ावा देने की बात का इसमें पुरजोर कोशिश करने के लिए टीचर्स को मोटिवेट किया गया है कि हम मल्टीलिंग्वलिज्म को बढ़ावा दें। उसका सीधा सा अर्थ यही है कि हम विभिन्न क्षेत्र, राज्य, परिस्थितियों और वातावरण से आने वाले विद्यार्थियों को किस प्रकार से समझ सकें और अपने सिखाने के तरीकों में उनके अकॉर्डिंग किस प्रकार से बदलाव कर सकें, इसके लिए हमें ध्यान देना होगा। तो दो जो मेजर फैक्टर हैं जो किसी भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं और उसका ऑल ओवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है, तो वह कहीं न कहीं उसके
वृद्धि और विकास की गति को, उसकी रेट को प्रभावित करता है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले इन कारकों में आप देखें कि यहाँ पर दो अति महत्वपूर्ण कारकों की चर्चा की गई है और उनका सीधा संबंध व्यक्तित्व के साथ में दिखाया गया है। जो दो प्रमुख कारक हैं वे हैं आनुवंशिकता, दूसरा है किसी भी विद्यार्थी के आसपास में पाया जाने वाला वातावरण। तो ये दोनों कारक मिलकर किसी भी एक व्यक्ति का व्यक्तित्व तय करते हैं कि वह किस प्रकार से शील गुणों को प्रदर्शित करेगा, उसके कार्य करने का ढंग कैसा होगा, चिंतन करने का तरीका कैसा होगा और वह किस प्रकार से अपने आसपास के लोगों के साथ में व्यवहार करेगा। तो आनुवंशिकता और वातावरण, ये दोनों ऐसे कारक हैं जो किसी भी एक लर्नर के व्यक्तित्व का निर्माण करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए दोनों मेजर फैक्टर के बारे में कुछ एक कंपैरेटिव टाइप का हमारे सामने प्रदर्शित किया गया है और ये बताया गया है कि किस प्रकार ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं और कैसे कैसे ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अलग अलग तरीक़ों से प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता पिता के द्वारा जो भी गुण संतति में आगे से आगे ट्रांसफॉर्म होते हैं, आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, तो वे हमारे वृद्धि और विकास को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं और वे कुछ ऐसे कारक हैं जो हमारे जीन्स, क्रोमोसोम्स और इंटरनल एक्टिविटीज़ के साथ में जुड़े हुए हैं, जो हमारे रंग, रूप, आकार, गुण या चिंतन को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो आनुवंशिकता से जुड़े हुए ऐसे कुछ गुण या ट्रेट्स हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, उस पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं है, क्योंकि वे प्राकृतिक रूप से हमें अपने पेरेंट्स के थ्रू प्राप्त होते हैं। उसी क्रम में यदि हम बात करें वातावरण की या एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट जो है वो हमारे आनुवंशिकता को एक दिशा प्रदान करता है या आनुवंशिकता में जो गुण हमें प्राप्त होते हैं तो विकास के संदर्भ में वो एक दिशा उसे प्रदान करता है। अर्थात मान लीजिए एक व्यक्ति को आनुवंशिकता में क्रोध करने का जो गुण है वो अपने माता पिता से प्राप्त हुआ, लेकिन यदि वातावरण में कुछ ऐसे कारकों का निर्माण किया जाए, ऐसा वातावरण परिवर्तित करने की चेष्टा की जाए जिससे धीरे धीरे उसमें क्रोध की मात्रा कम हो और विनम्रता का स्वभाव जो है वह उसका केंद्रीय स्वभाव बन जाए, तो हमने आनुवंशिकता से प्राप्त होने वाले उन गुणों को एक प्रकार से मॉडिफाई कर दिया, कुछ हद तक हमने उसे ऐसी दिशा प्रदान कर दी कि वह धनात्मक रूप से विकास की गति की ओर अग्रसर होता है। तो वातावरण मुख्य रूप से हमें हेरिडिटी में मिलने वाले कुछ उन गुणों में परिवर्तन करने और उन्हें दिशा प्रदान करने का कार्य करता है और इसी कारण से वातावरण को बहुत महत्वपूर्ण कारक बताया गया है कि वातावरण ही एक लर्नर को बदलने का या उसे ट्रांसफॉर्म करने का काम जो है वह करने में सक्षम है। अब देखिए हम बात करते हैं आनुवंशिकता से जुड़े हुए कुछ ऐसे शील गुणों की जो हमें कहीं न कहीं आनुवंशिकता के माध्यम से और पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो कारक है वह इंटेलिजेंस यानी अपनी मेंटल एबिलिटी, कि किस प्रकार से दो लर्नर अपनी बुद्धिमत्ता के कॉन्टेक्स्ट में या अपने आईक्यू के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग होते हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो समान टीचर के द्वारा पढ़ाए जाने के बावजूद भी उसे ग्रास्प नहीं कर पाते, उनकी पावर ऑफ इमेजिनेशन या कल्पनाशीलता की जो क्षमता है, उनकी सृजनात्मकता को प्रदर्शित करने की जो क्षमता है या किसी भी कार्य को हल करने का उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एटीट्यूड है वह अलग अलग पाया जाता है। तो यहाँ पर यह बात विचारणीय है कि उस समूह को जिसमें विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं उसे एक ही शिक्षक पढ़ा रहा है, लेकिन आनुवंशिकता से प्राप्त होने वाले
उन मेंटल एबिलिटी के कुछ फैक्टर्स के थ्रू हर लर्नर में कुछ ऐसी व्यक्तिगत विशेषताएं पाई जाती है जो या तो नेगेटिव होती हैं और या फिर बहुत पॉजिटिव हो सकती हैं, जो कि उसके ऑल ओवर इंटेलिजेंस को या आईक्यू को प्रभावित करती हैं। इसी क्रम में यदि हम बात करें फिज़िकल कंडीशन की, तो अलग अलग विद्यार्थी जो हैं वे अलग अलग फिज़िकल कैपेबिलिटीज से ओतप्रोत होते हैं और जन्म के समय से ही उनके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटी या डिसएबिलिटीज़ पाई जा सकती हैं जिसके कारण से या तो वे बहुत संतुलित प्रकार का विकास करते हैं, स्वस्थ रहते हैं और प्राकृतिक तरीके से जितना उन्हें अपनी उम्र के अकॉर्डिंग विकसित होना चाहिए उसी क्रम में वे विकसित होते हैं। अन्यथा जब हमारे कुछ ऐसे आनुवांशिक कारक हमें नेगेटिवली प्रभावित करते हैं तो हमें कहीं न कहीं मोटर एबिलिटीज़ में नेगेटिविटी देखने को मिलती है। बहुत से ऐसे बच्चे देखने में आते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं और उनमें मस्कुलर जो पावर है जिस उम्र में एक विद्यार्थी में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं पाया जाता और कहीं न कहीं अंगों के विकार की वजह से उनका ऑल ओवर डेवलपमेंट जिस प्रकार से होना चाहिए और उनकी उपलब्धि जिस स्तर पर होनी चाहिए वह देखने में नहीं आती है। तो फिज़िकल कंडीशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपकी ऑल ओवर डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। इसी क्रम में यदि हम और दो कारकों की बात करें तो तीसरे कारक के रूप में आपके सामने स्लाइड पर एप्टीट्यूड और दूसरा स्पेशल टैलेंट। एप्टीट्यूड को हम अभी योग्यता के नाम से जानते हैं और ये कहीं ना कहीं आपके किसी भी विशेष प्रकार के कार्य करने की क्षमता से जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए क्लासरूम एनवायरनमेंट में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा भाग लेते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं और उनका पार्टिसिपेशन बहुत सक्सेसफुली, हर जगह उनका स्थान आना, हर चीज़ में निष्णात होना, इस प्रकार की योग्यताओं को आप देख सकते हैं जो म्यूज़िक से जुड़ी हो सकती हैं, पेंटिंग से जुड़ी हो सकती हैं, एक्टिंग, साइंस में उनकी विशेषकर जो रुचि होती है। तो ये सभी अभी योग्यताएँ जो उन्हें विशेष प्रकार के आनुवंशिक कारकों से प्राप्त होती है और उसके कारण से वे उन बच्चों की अपेक्षा बहुत इफ़ेक्टिवली काम कर पाते हैं जो कि उनकी अपेक्षा ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते हैं। तो इसी कारण से उनकी परफॉर्मेंस, उनका एक्सीलेंस और लीडरशिप के जो क्वालिटीज़ हैं ऐसे बच्चों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसी क्रम में यदि हम लिंग की बात करें तो आप देखें कि कहीं ना कहीं कंपेरेटिव स्टडी के थ्रू ऐसा बहुत बार देखने में आया है कि बहुत सारी चीज़ें जो मेल में फीमेल के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती हैं और कुछ ऐसी विशेषताएं जो फीमेल्स में ज़्यादा अच्छी पाई जाती हैं जबकि मेल में वो उतने अच्छे से डेवलप नहीं होती हैं। तो अधिकतर ऐसा आपको देखने में आता है कि पुरुष सत्तात्मक जो हमारा संस्कृति का वातावरण रहा है उसकी वजह से और कहीं ना कहीं सांस्कृतिक कारकों की वजह से मेल जो हैं या नर जो हैं वे विशेषकर ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, फियरलेस होते हैं, उनमें भय की मात्रा फीमेल के अकॉर्डिंग कम पाई जाती है और कुछ ऐसे मुश्किल कार्य जो कि फिज़िकल स्टेमिना से जुड़े होते हैं वे मोर कॉम्पिटिटिव तरीके से वो कर पाते हैं और उनकी अपेक्षा फीमेल्स में वो गुण कमतर या कहीं ना कहीं कम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम कहीं लैंगिक असमानता के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहे हैं, नहीं उसे बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन अधिकतर ये देखने में आता है कि नर या मादा या पुरुष या स्त्री के संबंध में अनेक प्रकार के डिफरेंसेस जो हैं वो आनुवंशिकता से हमें प्राप्त होते हैं और हमारे ऑल ओवर डेवलपमेंट को वो कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। इसी क्रम में यदि हम बात करते हैं आयु के बारे में तो इसका सीधा संबंध हमारी मैच्योरिटी से होता है, अर्थात परिपक्वता से होता है। तो आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आईक्यू के कॉन्टेक्स्ट में भी दो प्रकार की एज जो है वह गणना की जाती है, जिसमें मेंटल एज और दूसरा क्रोनोलॉजिकल एज।
विकास के दौरान या वृद्धि के दौरान उम्र के अनुसार जो भी फिजिकल डेवलपमेंट आपके होने हैं वे आयु के अनुसार हो जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे विद्यार्थी देखने में आते हैं जिनका फिजिकल ग्रोथ होने के बावजूद भी उनका मेंटल एज जिस प्रकार से होना चाहिए, जितनी उनमें मैच्योरिटी या परिपक्वता होनी चाहिए, उस लेवल पर उनमें मैच्योरिटी नहीं पाई जाती। और अधिकतर आयु जिस व्यक्ति की बड़ी होती है तो उसके पास में अनुभवों का बहुत बड़ा संग्रहण होता है। अनुभवों को आत्मसात करने की वजह से, अनुभवों के संग्रहण के माध्यम से वह निरंतर सीखते रहते हैं, और जिसके कारण से अधिक परिपक्व व्यक्ति जो है वह अधिक अनुभवशाली पाया जाता है, किसी भी कार्य को बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से करता है। जबकि कम उम्र के व्यक्ति में कहीं ना कहीं उनकी अपेक्षा वे गुण व्याप्त नहीं होते हैं। तो आयु भी आनुवंशिकता से जुड़ा एक कारक कहा जा सकता है जो हमारे ऑल ओवर डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। फिर अगले कारक के रूप में हम बात करते हैं टेम्परामेंट की। तो जो दो चीज़ें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इमोशनल मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी। तो बहुत बार आईक्यू की बात की जाती है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट की बात की जाती है, उसके साइमल्टेनियसली आधुनिक समय में आपके इमोशनल क्वोशेंट की भी बात बहुत ज़ोरों से उठती है और उठ रही है कि जिसमें आप सांवेगिक रूप से कितने परिपक्व हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन में कितने सफल हो पाते हैं। तो इस स्थिरता में या इमोशन से जुड़े हुए जितने भी कारक हैं उनमें आपके पास यदि पॉजिटिव इमोशंस होते हैं तो वे आप में पॉजिटिव एटीट्यूड का निर्माण करते हैं, आप में स्नेह, किसी के प्रति जो है वह लगाव, या एक प्रकार से चैलेंजिंग वर्क को करने की जो कैपेसिटी है, आप कितना बैलेंस रह पाते हैं विपरीत परिस्थितियों में। तो ये सारे कारक हमारे सांवेगिक बुद्धि के साथ में या सांवेगिक स्थिरता के साथ में जुड़े हैं। इसे हम जनरली एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आप देखें कि एक कम योग्य व्यक्ति भी यदि सांवेगिक रूप से स्थिर है और दूसरी तरफ यदि एक अधिक योग्य व्यक्ति भी सांवेगिक रूप से इतना परिपक्व नहीं है और सांवेगिक अस्थिर है, तो वह अपने सांवेगिक बुद्धि की न्यूनता की वजह से बहुत से ऐसे अवसर खो देता है या एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, जिसके कारण से वह कहीं ना कहीं उन लोगों से पीछे चला जाता है जो सांवेगिक रूप से स्थिर पाए जाते हैं। तो आधुनिक समय में इस बात पर बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है कि हम विद्यार्थी के बुद्धिमत्ता को बढ़ाने की ही बात नहीं करें, उसके आईक्यू लेवल को बढ़ाने की बात नहीं करें, बल्कि साथ साथ में उसके मानसिक विकास पर भी ध्यान दें। उसके सांवेगिक विकास को भी प्रॉपरली किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इस पर भी एक टीचर को बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम किसी भी विद्यार्थी को सांवेगिक रूप से स्थिर बनाने की तरफ अग्रसर हो सकें। इसी क्रम में इमोशनल स्टेबिलिटी, या हम ऐसा कहें कि अपने इमोशंस को बैलेंस करना, और जब भी हमारे सामने दबाव, तनाव या कुंठा की स्थिति होती है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में या उन परिस्थितियों में हम कितना अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, तो ये सब जुड़ा है हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ में, सांवेगिक स्थिरता के साथ में, जो कि हमारे मानसिक विकास को और हमारे व्यक्तिगत कारकों को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। इसी क्रम में यदि हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो दो प्रकार की पर्सनैलिटी ज़्यादातर आपको विद्यार्थियों में देखने को मिलती है, एक एक्सट्रोवर्ट, दूसरा इंट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट का मीनिंग है बहिर्मुखी, एक ऐसा विद्यार्थी जो मोर डोमिनेंट होता है, इंटरेक्शन करता है, अपने विचारों को एक्सप्रेस करता है, लोगों के साथ में सोशली एक्टिव होता है और समूह के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है। तो ऐसा व्यक्ति या ऐसा इंडिविजुअल कोई भी विद्यार्थी एक्सट्रोवर्ट या बहिर्मुखी कहा जाएगा, जिसका समाज से अच्छा संबंध है, जो खुद को एक्सप्रेस करता है और लोगों के सामने रखने की
कैपेबिलिटी रखता है। दूसरा, एक ऐसा विद्यार्थी जो अंतर्मुखी पाया जाता है, जो शांत होता है, पीसफुल रहना चाहता है, स्ट्रेस लेना नहीं चाहता है और कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने अभिव्यक्त नहीं करना चाहता, अपने तक ही रखना चाहता है, तो ऐसे स्वभाव के जितने भी विद्यार्थी हैं वे अंतर्मुखी स्वभाव के कहलाते हैं। तो मेनली ये दो प्रकार की पर्सनैलिटीज़, किस किस तरह के गुण किस प्रकार से आपके अंदर ज़्यादा डोमिनेंट है, उस पर निर्भर करता है कि आपका ऑल ओवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है। फिर देखिए, कुछ एक्स्ट्रोवर्ट के ऐसे ट्रेट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो ट्रेट उनके पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं कि वे ज़्यादातर सोशलाइज़र होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ग्रुप के साथ में इंटरेक्ट करना, ग्रुप के साथ में अधिकतर अपना संबंध बनाए रखना और सभी लोगों के साथ में एक प्रकार से हाई एनर्जी को लेकर और अपने स्नेह के साथ में वे बंधे रहते हैं और लोगों के साथ में उनका जो व्यवहार है वह बहुत संतुलित पाया जाता है। इसी क्रम में यदि हम बात करें पर्सनैलिटी से जुड़े हुए कुछ नेगेटिव ट्रेट के बारे में जो एक्स्ट्रोवर्ट के साथ में जुड़े हैं, तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि ऐसे व्यक्ति दूसरों की भावनाओं की कद्र किए बिना अपनी ही भावनाओं को डोमिनेंट रखते हैं, अपने ही विचारों को दूसरों पर थोपने का प्रयास करते हैं, तो कहीं न कहीं ये उनमें एक नेगेटिव ट्रेट भी पाया जाता है जो एक्स्ट्रोवर्ट में मुख्यतः देखने में मिलता है। तो यदि ऐसे किसी भी गुण को यदि आप देखें तो एज ए टीचर आपको ये समझना चाहिए कि हम किस प्रकार से इसे मेंटेन करें और एक संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करने में हम अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। फिर देखिए, इंट्रोवर्ट जो हैं उनके पॉजिटिव ट्रेट्स की यहाँ पर बात की गई है, क्योंकि किसी भी गुण को हम केवल पॉजिटिव या नेगेटिव के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख सकते। जहाँ पर किसी एक प्रकार के व्यक्तित्व में कुछ कमियाँ हैं तो वहाँ पर कुछ अच्छाइयाँ भी उसमें देखने को मिलती है। तो टिपिकल इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी जो होती है वे कभी भी खुद को चेंज करना नहीं चाहते हैं और जो गाइडलाइंस उन्हें दी जाती हैं वे उन्हें फॉलो करते हैं और कहीं न कहीं अपने किसी भी विचार का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं करना चाहते हैं। तो वे चैलेंजिंग जॉब को अपने अंतर्मुखता के कारण से अपने विचारों के अनुसार करने की चेष्टा करते हैं और ज़्यादातर वे खुश तो पाए जाते हैं और अपनी भावनाओं से ही संतुष्ट होने का प्रयास करते हैं, दूसरों की भावनाओं को सुनने या समझने के लिए तत्पर नहीं पाए जाते हैं। इसी क्रम में यदि कुछ और नेगेटिव ट्रेट्स की बात की जाए तो वहाँ पर ऐसे लोग ज़्यादातर शर्मीले पाए जाते हैं, उस कारण से वे एक्टिविटीज़ में भाग नहीं लेते हैं और संकोचवश वे अपनी भावनाओं को उजागर या लोगों के सामने एक्सप्रेस करने में कहीं ना कहीं कतराते हैं। तो ये एक प्रकार से कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो अलग अलग विद्यार्थियों में अलग अलग रूप में आपको देखने को मिलते हैं, जिन्हें कोप अप करना, बैलेंस करना एज ए टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप केवल कंटेंट को ही डिलीवर न करें बल्कि साथ साथ में एक विद्यार्थी के ऑल ओवर डेवलपमेंट पर भी ध्यान दें, तो आप व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण कार्य करते हैं। अगले क्रम में हम बात करते हैं एफर्ट्स की। तो एफर्ट्स करना या ऐसा कहें कि अपनी क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग करना, ये जो विशेषताएं हैं वे भी हमें अपनी हेरिडिटी से प्राप्त होती हैं और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट शील गुण है, ट्रेट है, जो अधिकतर हमारे कैपेसिटी से, सामर्थ्य से और दूसरे लोगों के साथ में हम कितना एडजस्ट कर पाते हैं और अपने काम पर कितना कॉन्सेंट्रेट होकर वर्क कर पाते हैं और अपनी ऊर्जा को कितना धनात्मक रूप से उपयोग करके और हम अच्छे से अच्छा अचीवमेंट करना चाहते हैं, उस बात पर निर्भर करता है कि हम एफर्ट मेकिंग कैपेसिटी हमारे अंदर कितनी है। और कहीं ना कहीं आप कहें कि जो लोग इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं
और जो लोग स्वयं से ही स्फूर्त होते हैं, मोटिवेट होते हैं, तो उनमें ऐसी क्षमताएं ज़्यादा पाई जाती हैं जो कि हमें आनुवंशिकता के थ्रू प्राप्त होती हैं। इसी तरह से एक और गुण जो अधिकतर किशोरावस्था के दौरान आपको स्कूल एनवायरनमेंट में या कॉलेज के एनवायरनमेंट में देखने को मिल सकता है कि बहुत से ऐसे बालक जो किसी न किसी कारण से यदि डिप्रेस्ड होते हैं या उन्हें समाज में पूरा सम्मान नहीं मिलता है तो उसके कारण से उनमें आपराधिक प्रवृत्ति का विकास भी हो जाता है और वे दूसरे लोगों के अलग अलग प्रकार के कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में जुड़े होते हैं, समाज से बहुत ज़्यादा कट ऑफ होते हैं और स्कूल से बंक लगाने वाले पाए जाते हैं क्योंकि वे अपनी ही मेंटलिटी को सर्वोपरि मानते हैं और इस कारण से उनमें एक अपराध भावना अधिकतर जन्म ले लेती है और उस कारण से वे बड़े होने पर शिक्षा प्राप्त होते हुए भी एक अच्छे एनवायरनमेंट में डेवलप होने के बावजूद भी बहुत सारी आपराधिक गतिविधियों का शिकार हो जाते हैं और आगे जाकर कहीं न कहीं एक अपराधी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं और उस कारण से कई बार उन्हें जेल भी जाना होता है, मर्डरर बन जाते हैं, कई बार किडनैपर बन जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनमें बहुत एग्रेसिवनेस है, बहुत ज़्यादा ऐसी क्रिमिनल टेंडेंसी यदि पाई जा रही है तो आपको वॉच आउट करना चाहिए, पेरेंट्स को इसकी इतला देनी चाहिए और अपने और विद्यालय के स्तर पर जितना हो सके ऐसे बच्चों को सही मार्ग पर प्रवृत्त करने के लिए अपने प्रयास करने चाहिए। तो ऐसी कुछ शील गुण या कहें कि ऐसे कुछ कारक जो हमें आनुवंशिकता से प्राप्त होते हैं या हमारी आनुवंशिकता के साथ में जुड़े हैं और अधिकतर इनमें बहुत अधिक बदलाव करना संभव नहीं होता है, तो ऐसे कारकों को हम आनुवंशिकता से संबंधित कारक कहेंगे जो कि हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता के साथ में जुड़े होते हैं और इन कारकों के आधार पर हम हमारे लर्नर्स को, विद्यार्थियों को या किसी भी समूह को क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से गुण किस किस प्रकार के विद्यार्थी में किस हद तक हैं और उसके अनुसार उन्हें ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, क्लास में उनके साथ में वैसा बिहेव किया जाना चाहिए और अपनी टीचिंग की स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं बदलाव भी किए जाने चाहिए जिससे हम व्यक्तिगत विभिन्नता के साथ में न्याय करते हुए अपने कार्य को सुचारू ढंग से कर पाएँ। तो आज के लिए हम इतना ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में अध्ययन करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।